तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाना चाहिए? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या होती है और दीपक जलाते हुए कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया मुझे ये सब विस्तार से बताओ। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनो। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती रहती थी। वह अपने पति के लिए कुवचन कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी और उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी नहीं करती थी। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको भी अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मुख होकर निरंतर अन्य व्याविचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की थी, परंतु पराये मनुष्यों के साथ बैठकर बातें करना उसे बहुत भाता था। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए वह सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? और वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर स्त्री के पसीने छूट गए। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही बाघ ने उसे अपने पंजों से घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही वह चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोलने लगा, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तो वह स्त्री बोली, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से इस बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बातें बताओ,
और फिर मेरा भक्षण करो। इस पर बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे तेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, जिस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। इस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण कर लिया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार के पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आँखें अंदर धस गईं, मुख के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। और उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर पर काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है। विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है, तेरे आचरण से तू उल्टा जान पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने की लालसा से आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस स्त्री को उठाकर यमपुरी ले जाने लगे। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है, इसने घोर पाप किए हैं, इसने व्यभिचार किया है, इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की और कामन अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास में लगा रहता था। उसके पापों को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया, फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरक में डालने पर वह महापापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्मों के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया। वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी, उसका अंग अंग जलने लगा,
उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी। एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात्रि हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे, हे दूतों, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इस कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब यह नरक नहीं जाएगी, बल्कि स्वर्ग जाने की अधिकारिणी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते हुए हमें कहना चाहिए, हे विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि दो। हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त कर लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। हमें अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी जी के पास दीपक जलाने का और उसकी आराधना करने का महत्व समझाया। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।